Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ का इंग्लिश का हाफ ईयरली का जो हमारा पेपर हुआ है अभी, उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी। पेपर जो है एग्ज़ाम आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का है, और इसमें जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं, पहले 15 प्रश्न हैं, वो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बुक में से जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उसमें से हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। टोटल 23 क्वेश्चंस हैं पूरे पेपर में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु रोट द पोएम ट्रीज? यहाँ पर आपसे पोएट का नाम पूछा है, तो शिर्ली बॉर रोट द पोएम, यानी ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर ठीक है। अगला है, विच प्लांट कैन स्टोर वाटर इन इट्स थिक स्टेम्स? तो पानी जो है कौन सा प्लांट अपने स्टेम्स में यानी तने में इकट्ठा करके रख सकता है, वो है कैक्टस। कैक्टस जो है रेगिस्तानी इलाके में उगने वाला पौधा है, और ये बहुत सारा पानी जो है अपने अंदर रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ अ रेबल? रेबल जो होता है वो होता है जो हर चीज़ का विरोध करे, तो वन हु अपोजेज एवरीथिंग इज़ रेबल। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इन मॉन्ड? तो मॉन्ड्स क्या होते हैं? मिट्टी की ढेरियाँ। तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? एंट्स। अगला क्वेश्चन है, वट वॉज द नेम ऑफ द डॉग इन द एशेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम? तो वहाँ पे जो डॉग का नाम था, ये आपके चैप्टर का ही है, डॉग का नाम क्या था? मुक्कू। आगे चलते हैं हम। अगला जो है आपका वो है, द फ्रेज अ क्लाइंबर लाइक मी एक्सप्रेसेस हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है, या ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया कि ये आपकी कौन सी पोएम में से है, डैड एंड द कैट एंड द ट्री से। अगला है आपका, चिल्ड्रन यूजेस ट्रीज टू प्ले गेम्स, ये आपकी ट्रीज जो पोएम है उसमें से है। अगला क्वेश्चन है, हूज टंग गोलू ऑन हिज शोल्डर? तो फ्लाई। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गेसलर डाइड ऑफ स्टारवेशन, यानी भूख से उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द टीज़र इन द पोएम स्क्विरल? तो पोएम में टीज़र यानी तंग कौन कर रहा है, वो स्क्विरल ही है आंसर उसका। क्वेश्चन नंबर 11, आई फेल्ट वेरी वीक आफ्टर आई वर्कड द होल डे। अब यहाँ पर आपको होमोफोन्स दिए गए। होमोफोन्स का मतलब होता है जिन शब्दों की स्पेलिंग तो अलग हो लेकिन उनको हम बोलने में वैसे ही बोलते हो। जैसे यहाँ पे दोनों शब्द क्या हैं, वीक वीक। इस वीक का तो मतलब है कि सप्ताह के दिन, और ये जो दूसरा वीक है आपके पास इसका मतलब होता है कि कमज़ोरी। तो यहाँ पर यही आएगा कि पूरा दिन काम करने के बाद मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, डोर मैट इज़ ए कंपाउंड वर्ड। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डोर और मैट। तो जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ट्रू। अगला है, ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट इन द मॉर्निंग। आर्टिकल फिल करना है आपने, तो कोई पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे वो गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? द। अगला है, माई ब्रदर पास्ड हिज मैट्रिक एग्ज़ाम लास्ट ईयर। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने पास की करेक्ट फॉर्म भरनी है, तो क्या हो जाएगी? पास्ट। अगला है, आई सॉ एन एरोप्लेन यस्टरडे। यस्टरडे से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हम पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आपने वर्ब की फॉर्म फिलअप करनी है। यहाँ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपकी जो वर्कबुक है इंग्लिश की, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, और वर्ब की फॉर्म्स भी जो हैं उस बुक के एंड में आपको दी गई हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड बी डन टू सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वी शुड नॉट कट ट्रीज, पहला पॉइंट ये हो सकता है इसमें, ये हमें पेड़ काटने ही नहीं चाहिए। और दूसरा, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, यानी हमें और ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। अगला है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड, बुक का क्वेश्चन है आपका ये। मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे फाउंड इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव केप्ट इन द बैकयार्ड। वो कौन सा सीक्रेट शेयर करती है, जो उनको एक बिल्ली का बच्चा मिला है और जिसको उन्होंने अपने घर के पीछे छुपाया है। हाउ इज़ लाइफ ऑफ एन एंट पीसफुल, ये सभी आपके बुक के क्वेश्चंस हैं बच्चों। एंट्स लाइफ इज़ पीसफुल बिकॉज ऑल ऑफ देम डू देयर वर्क ब्रेवली, ऑनेस्टली एंड इंटेलिजेंटली। हार्ड वर्किंग होती है एंट, चींटी जो होती है वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है और अपना काम जो है ईमानदारी से करती है, इसलिए वो उसकी लाइफ कैसी है, पीसफुल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर, गोलू जो है रिवर पर क्यों गया। गोलू वेंट टू द रिवर बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो वट अ क्रोकोडाइल लुक्स लाइक एंड वट ही ईट्स फॉर हिज डिनर, यानी कि वो क्या खाती है और कैसी दिखती है। अगला क्वेश्चन है, वट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, तो कौन सी तीन चीज़ें करी थी गोपाल ने अपना जो हिल्सा फिश खरीदने से पहले। ही गोपाल शेव्ड, हाफ शेव्ड हिज फेस्ट, स्मीयर्ड ऐश ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ एंड वोर रग्स बिफोर गोइंग आउट टू बाय हिल्सा फिश। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड मिस्टर पर्सल कंपेयर्ड टू एन आउल, पर्सल वोर लार्ज ग्लासेस दैट मैग्नीफाइड हिज आइज, वो बहुत बड़े चश्मा पहनते थे जिससे उनकी आँखें जो है वो बहुत बड़ी लगती थी। दिस गेव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइस एंड अ जीनियल आउल। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, ये आपका फर्स्ट ही चैप्टर है आपकी बुक का, थ्री क्वेश्चंस। किंग एंड द हर्मिट ट्रीटेड हिज वाउंड्स, वॉश्ड इट एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, ही रीड्रेस्ड इट टिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, यानी तब तक उसने उसको पट्टी बांधी जब तक कि उसका रक्त बहना बंद नहीं हो गया। दे गेव हिम फ्रेश वाटर एंड मेड हिम रेस्ट इन द हर्ट, और उसको पानी दिया पीने के लिए और आराम करने के लिए अपनी झोपड़ी में उसको स्थान दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बियर ईट, देयर आर टू थिंग्स ही हैज़ नॉट अलाउड, ही वॉज नॉट अलाउड टू डू, व्हाट वर दे। द बियर ईट ब्रेड, पॉरेज, पोटैटोज, कैबेज एंड टर्निप्स, ही वॉज नॉट अलाउड टू क्लाइम द एप्पल ट्री एंड प्लक एप्पल ऑफ द ट्री। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसको ज़रूर अपनी कॉपी में एक बार दोबारा से करें ताकि इंग्लिश जो है आपको आसानी से आने लगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।